नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत मध्य प्रदेश से। क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया शिवराज की जोड़ी टूटने वाली है? सिंधिया शिवराज की जोड़ी अगर टूट जाती है तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा भूचाल आएगा। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले, और चुनाव से पहले बीजेपी में शुरू हुई इस बगावत को ऐसे माना जा रहा है कि अगर जल्द ही बीजेपी ने इस बगावत को शांत नहीं किया तो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, काफी समय से शिवराज सिंह चौहान से नाराज चल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा फैसला करते हुए यह साफ तौर पर कह दिया है कि सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के हालात है, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ सिंधिया जैसे बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी में एक बड़ा गठबंधन टूट रहा है। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिनके दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, क्योंकि सिंधिया अपने साथ विधायकों का बड़ा समर्थन लेकर आए थे। और अब यही माना जा रहा है, यही समर्थन सिंधिया वापस लेकर जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस सिंधिया को एक और जहां सीएम पद के लिए, सीएम चेहरे के लिए एक और जहां बड़ा ऑफर देती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जो है वो एक बड़ी तैयारी चल रही है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बड़ी तैयारी कर रही है, जनता को अपने साथ जोड़ रही है, कई बड़ी योजनाओं को लेकर काम चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंधिया शिवराज की लड़ाई पर कांग्रेस की पूरी नजर है। और अगर मध्य प्रदेश में सिंधिया शिवराज का गठबंधन टूट जाता है तो न सिर्फ सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होता नजर आएगा, बल्कि खबर है कि कांग्रेस जो है वो आने वाले वक्त में सबसे बड़ा, जी हां, जीत हासिल कर सकती है। और कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए लगातार ताबड़तोड़ कोशिश करती चली जा रही है। और जिस तरीके की तैयारी इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस तैयारी से ये बात जाहिर तौर पर पता चलती कि क्या आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? और क्या सिंधिया की वापसी कांग्रेस में होगी? कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।